लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ ऑफ एक्सरसाइज वन ए दैट इज नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दिस राइट द थ्री डिजिट नंबर यूजिंग टू थ्री एंड फोर टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस हमें इन तीनों नंबर को लेके नंबर्स फॉर्म करने हैं थ्री डिजिट नंबर राइट तो हमें नंबर कौन से यूज करने हैं वो लिख लेते हैं दैट इज टू थ्री फोर राइट right? तो पहले हम कैसे नंबर बनाएंगे तो पहले हम एज इट इज बना देंगे टू थ्री फोर राइट फिर टू अपनी प्लेस पे फोर इधर आ गया थ्री इधर आ गया ये दो नंबर बन सकते हैं तो हमने लिखा टू थ्री फोर और टू फोर थ्री राइट आप देखिए और क्या बन सकता है अगर हम थ्री इधर ले आए और टू इधर ले आए तो थ्री टू फोर हो गया अब इस थ्री टू फोर में फोर टू की जगह टू फोर की जगह तो ये आ गया थ्री फोर टू राइट अब इसी तरीके से अगर मैं फोर फर्स्ट प्लेस पे ले आऊँ और टू नेक्स्ट प्लेस पे ले आऊँ तो फोर मैंने फर्स्ट प्लेस पे ले है और टू फोर की जगह ले गई तो थ्री टू और इसी तरीके से अगर मैं टू अब थ्री की जगह ले आऊँ और थ्री टू की जगह ले आऊँ तो फोर टू थ्री यही पॉसिबल नंबर्स हैं सिक्स नंबर्स पॉसिबल हैं बनाने इन तीन नंबर्स से दिस इज़ द आंसर सिर्फ इस इसके लिए हमें जब भी नंबर्स बनाने होते हैं हमें सिर्फ उनकी प्लेस चेंज करनी होती है और हमें उनको नंबर्स को फॉर्म करना होता है सिर्फ प्लेस वाली प्लेस चेंज करने से ही हमारे नंबर्स फॉर्म्ड होते हैं और दिमाग में रखिएगा हमेशा कि हम जिस प्लेस पे एक बार उस नंबर को ले आए दूसरी बार उस नंबर को उस प्लेस पे ना लाएं अब देखिए यहाँ पे मैंने 200 की प्लेस पे रखा फिर टू टेंस की प्लेस पे रखा इन दोनों में टू टेंस की प्लेस पे है, और इन दोनों में टू वंस की प्लेस पे इसी तरीके से थ्री देखिए थ्री यहाँ पे टेंस की प्लेस पे है और थ्री यहाँ पे टेंथ की प्लेस पे इन दोनों में हंड्रेड की प्लेस पे और इन दोनों में वंस की प्लेस पे सिमिलरली इज द केस विद फोर आल्सो फोर यहाँ वंस की प्लेस पे है यहाँ पे भी वंस की प्लेस पे है इन दोनों में टेंस की प्लेस पे और इन दोनों में हंड्रेड की प्लेस पे आंसर